सोशल मीडिया पर छतरपुर से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और विधायक ओमकार मरकाम के बेटे नमशिवाय मरकाम एवं उनके समर्थकों के बीच लड़ाई हो रही है। वीडियो में ही जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते विधायक पुत्र नमशिवाय मरकाम को देख लेने की बात कह रहे हैं। डिंडोरी कांग्रेस में आपसी कलह की बातें तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन यह कलह इस हद तक पहुंच जाएगी किसी ने कभी सोचा नहीं था। विधायक पुत्र और जिला पंचायत अध्यक्ष में यह विवाद शुरू हुआ मघरेली ग्राम पंचायत में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता से, जहां प्रतियोगिता कार्यक्रम में गाड़ी पार्किंग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम के पुत्र सहित कांग्रेसी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते विधायक पुत्र नमशिवाय मरकाम को देख लेने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, विधायक के बेटे नमशिवाय मरकाम ने अपने समर्थकों के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। नमशिवाय मरकाम ने कहा कि हम बघरेली पर कबड्डी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी जिसकी वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। जब हम निकलने लगे तो रास्ते में जिला पंचायत अध्यक्ष ने गाड़ी अड़ा दी और हमारे साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर हमने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कल हम बघरेली पे कार्यक्रम पे गए थे, जहाँ पे पानी गिरने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया। कबड्डी प्रतियोगिता थी, तो जब हम निकल रहे थे तो रास्ते पे सामने रुद्रेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो अपनी गाड़ी लगाए और आके सामने बेड़ा करके लगा दिए और फिर गाड़ी का कांच खोल के मुझे गाली गलौज किए, गाड़ी हटाने के लिए बोले जो रास्ता नहीं था हटाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। वहाँ पर वीडियोग्राफी बनी है और देख लेने की बात की है, जान से मारने की धमकी दी है। तो उस पे आज मैं यहाँ पे बजाज थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ, जो 341, 294, 506 के तहत उसमें रिपोर्ट दर्ज कराया हूँ। वहीं इस मामले को लेकर जिला पंचायत रुद्रेश परस्ते ने कहा कि हमारे समर्थक इस गांव में हैं, मुझे निमंत्रण मिला था इसलिए मैं गया था। जैसे ही गाड़ी पार्किंग में पहुंची तो हमने विधायक के बेटे से गाड़ी हटाने को बोला, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया और साथ ही कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने भी गाड़ी हटाने से मना किया और मेरे साथ गाली गलौज की। उसने लोगों को झगड़ा करने के लिए पैसे भी दिए, जिसके बाद उसके समर्थकों ने मेरे साथ झगड़ा किया और वीडियो बनाकर ये जताया कि गांव वालों ने मेरा विरोध किया है, ये सब साजिश है। मैंने एसपी से इस मामले में बात की है। देखिए, धलोनी ग्राम पंचायत के बघरेली में कबड्डी मैच का आयोजन था और उसमें हमारे भी वोटर्स हैं, हमारे भी समर्थक हैं वहाँ पे। ग्राम पंचायत के सरपंच जी भी वहाँ थे और सरपंच जी और वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे आमंत्रण किया गया था ग्रामवासियों के द्वारा, तब मैं उस कार्यक्रम में गया। मुकेश पटेलिया ने कुछ वो गाँव के लड़कों को बोला कि देखो पैसा दिया हूँ, अगर आप लोग रुद्रेश को यहाँ से झगड़ा नहीं करोगे तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, ऐसा करके। वहाँ पे कुछ लोग उसके बगल में थे जो सुन रहे थे बातों को, ऐसा करके उन्होंने फिर मेरे साथ संयोजित तरीके से अभद्र व्यवहार किए। कुछ पड़रिया डमरी के लड़के आए थे, ऐसे उस क्षेत्र से लड़के लेके आए थे कई गाँवों से, 4-5 गाड़ियों में उन लोग अपनी टीम के साथ थे वहाँ। वो सब लोगों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद मीडिया और फेसबुक में वायरल किया कि ग्रामवासियों के द्वारा मेरा विरोध किया गया। ग्राम के 2-3 लोग थे जिन लोगों ने शराब के नशे में उन लोगों को, इन लोगों ने ऐसा कराया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।